राहुल गांधी को ट्रोल करना सिर्फ स्मृति ईरानी के लिए फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, बल्कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जिस तरह एक ट्रोलर की तरह राहुल गांधी के साधारण कपड़ों को भी बेशर्मी वाला पहनावा बता दिया, वो दिखाता है कि भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी की बुराई करने को तरक्की की सीढ़ी मान लिया है। और अच्छा ये होगा कि पीएम मोदी को राहुल गांधी की ट्रोलिंग के लिए एक मंत्रालय बना देना चाहिए, ताकि बाकी सांसद और मंत्री अपने काम पर ध्यान दे सके। मोदी सरकार के बुलाए विशेष सत्र के पहले दिन राहुल गांधी हाफ स्लीव वाली शर्ट में संसद पहुंचे तो प्रवेश वर्मा ने इसे बेशर्मी बताते हुए कहा, शर्मनाक, संसद के इतने खास दिन भी ये शख्स टी शर्ट में बैठा हुआ है। या तो ये संसद की गरिमा को इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं, या फिर लगता है कि इनका होलीडे मूड से बाहर निकलने का मूड नहीं है। पहली बात तो ये कि संसद में सांसदों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, और राहुल गांधी का पहनावा कहीं से भी मर्यादा को नहीं तोड़ता। सांसद होते हुए प्रवेश वर्मा के ऐसे घटिया ट्वीट को लेकर पब्लिक ने क्लास लगा दी और कहा, लगता है भाई साहब बिल्कुल खलियर हैं, नहीं तो भाई कपड़ों पर कमेंट कौन करता है। नरेंद्र मोदी जी कृपया इनको कुछ काम दीजिए, कब तक ये मोहल्ले वाले आंटी की तरह कपड़ों पर कमेंट करते रहेंगे। इसको भाजपा में कोई पूछ नहीं रहा तो इसने सोचा राहुल गांधी पे लिख देता हूँ, कुछ तो रोजगार मिलेगा प्रवेश को। सर मुझे लगता है कि आपकी आंख का चश्मा भी खराब है, वरना शर्ट को टी शर्ट नहीं बोलते, ऐसे तो आप लोग से तमीज की उम्मीद भी नहीं। किसी ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी की तरह 10 लाख का सूट तो पहनकर नहीं आए, जो आप संसद में साधारण पहनावे को भी बेशर्मी बता रहे हैं। प्रवेश वर्मा का राहुल गांधी की शर्ट पर सवाल उठाना दिखाता है कि भले भाजपा नेता कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन बीजेपी सांसद से लेकर स्मृति ईरानी जैसे मंत्री आखिर क्यों राहुल गांधी को रोजाना टारगेट करते रहते हैं। आप प्रवेश वर्मा के राहुल गांधी की शर्ट को मुद्दा बनाने पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।